हर कोई इस उर्स शरीफ पे रहता है, यानी तमाम मजहब के
यहाँ पर इस बुक्स में आते हैं और मेरे साथ वो लोग मुझे कोऑपरेट भी करते हैं हर मामले में। ये उर्स का प्रोग्राम कुछ ऐसे है, पहले दिन उर्स शरीफ में महफिल नात का प्रोग्राम होता है या नातिया मुशायरा होता है, और वो नातिया मुशायरा होने के बाद सुबह सादिक से पहले मैं और मेरे खादिम सब मिलकर मुतवली इनामदार मिलकर हम शहनशाह नांदेड़ गुस्ल देते हैं। गुस्ल देने के बाद फातिहा खानी सलात व सलाम होता है, उसके बाद हम लोग सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा दिन जब जभी निकलता है उसके बाद 2-2:30 बजे से छोटी दरगाह मस्तान शवली से के उर्स शरीफ जुलूस निकलता है। छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह, खेला रोड, जामा, अपने मोहम्मद अली यानी चौक से होता हो, एमजी रोड से होता हो, आप बीएमसी बैंक से रेणुका माता मंदिर के पीछे, ये दरबार शहनशाह नांदेड़ का है, ये अख्ताम यहाँ पर होता है। बाद नमाज मगरिब शहनशाह नांदेड़ का संदल चढ़ाया जाता है। शहनशाह नांदेड़ को संदल चढ़ाने में तो दुश्वारी ऐसी होती है कि बस अल्लाह उसका अभी बेहतर जानता है और यहाँ पर आने वाले लोग बेहतर जानते हैं। यहाँ पर एक हुजूम सा रहता है, लेकिन हमको पुलिस प्रशासन भी बहुत मदद करता है। पुलिस प्रशासन के अलावा हमारे साथ में हमारे जो दरगाह के खादिमीन हैं मेरे साथ में और महल्ले के हमारे बच्चे हैं, उनको हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं। हमारे ठाकुर समाज के लोग हैं जो मेरे को हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं, मेरा सत्कार करते हैं। सत्कार करने के बाद दरगाह तक ला के छोड़ते हैं। उसके बाद ये प्रोग्राम दरबार में जाने के बाद दाखिल होने के बाद बाद नमाज मगरिब संदल शरीफ चढ़ाया जाता है। उसके बाद में रात में बाद नमाज ईशा समा का अहतमाम होता है और समा हर साल बुलाते हैं। ये खासियत ये उर्स की ये शहनशाह है नांदेड़ की कि यहाँ पर कोई नातखा डबल नहीं पड़ते, हर टाइम नातखा भी बदलते हैं तो समा का भी बदलते हैं। ये खासियत जाते हैं और यहाँ पर हर किस्म के जो लोग आते हैं और समा महफिल नात और ये प्रोग्राम जो होते हैं अल्लाह के अगर फजल करम से कामयाब होते हैं। महफिल समा का प्रोग्राम जब शुरू होता है उसके बाद 12 बजे ताम आम का इंतज़ाम होता है। ताम आम से मुराद कल सुबह यानी ताम आम में 1 कुंटल खाना रहता है और 1 टन सॉरी 1 टन खाना होता है 10 कुंटल और आम लोगों को तकसीम कर दिया जाता है यानी कैरी बैग में खाना डाल के इसलिए देते हैं कि तमाम अहल वयाल के साथ खा ले। 1 टन खाने का अहतमाम होता है। उसके उसी दिन शाम में जिस दिन सुबह में खाने का अहतमाम होता है उसी दिन शाम में शहनशाह नादिर के जश्न चिरागों का प्रोग्राम होता है। बाद नमाज मगरिब लाइट पूरी ऑफ कर दी जाती है। अकीदतमंद हजरात सब अपने अपने चिराग मोमबत्ती दिए लगा कर यहाँ पर मगरिब से इशा तक अपने अपने दिए लगाते हैं। अकीदा ये है और होता भी है कि जैसे लोग हर इंसान यहाँ पर चिराग लगाते हैं अल्लाह ताला उनके कारोबार में घर में रोशनी कर देता है। और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिसको आज इलाज कहीं कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरे शहनशाह नांदेड़ शाखा मिदात कबला रहमतुल्लाह अलैह के जूतियों के सदक़े में जो बीमारी मैं इसीलिए उनको शहनशाह नांदेड़ को मेरा मल्टीपर्पज MD है बोलता। कोई भी पूछ ली तो मैं बोलता भाई मेरे MD मल्टीपर्पज MD के पास आ जाओ। और ख़ास बात यह कि यहाँ पर हर पीर के दिन आयत करीमा की मजलिस होती है और आयत करीमा की मजलिस होने के बाद दरबार में फातिहा खानी होती है, सलात व सलाम होता है, फिर ताम आम। उसके बाद हर माह की 26 तारीख के दिन बाद नमाज ईशा शहनशाह नांदेड़ की जो यानी उर्स की जो तारीख होती है उसमें सबला कलमे तैयबा की मजलिस होती है, फातिहा सलात व सलाम होता है, फातिहा खानी होती है दरबार में और ताम आम होता है। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल से 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक इस मस्जिद में दूसरी की मस्जिद होती है, फातिहा खानी होती है, सलात सलाम होता है और लोग मस्जिद में भरपूर रहते हैं। ताम आम 12 दिन तक इसी तरह चलते रहता है और 12 दिन तक 12 मसले। उसके बाद 11वीं शरीफ आती है और उसके बाद 11 दिन भी यही सिलसिला इसी तरीके से होता है। खत्म गौसिया होता है, दूसरी शरीफ की मस्जिद होती है, खत्म गौसिया होता है, 11 दिन लंगर चलता है। उसके बाद ख्वाजा साहब सबका तो मामला है, हिंदुस्तान में रह रहे तो ख्वाजा साहब का होना जरूरी है, तो 6ठी शरीफ के भी 6 दिन ये अहतमाम होता है। 6 दिन तक लोग आते हैं, अपने मिठाई तकसीम करते हैं। 6ठे दिन हम हर रोज़ खाने का इंतजाम, लगभग इस मस्जिद एकाना में 365 दिन में से 100 दिन खाना होता है। इंशाल्लाह अल्लाह का करम है और जो भी होता है यहाँ पर प्रोग्राम
तो कोई नहीं करता, ये कोई चंदे से नहीं होता। यहाँ रिस्पॉन्सर अल्लाह ने ऐसे दिए हैं कि पूरा प्रोग्राम हाथों हाथ होता है, कोई समा करा देता है, जिसमें हमारे इदरीस कादरी एडवोकेट साहब मैं उनका तारुफ करूँगा, और हमारे अख्तर मामू, और फिर हमारे महफिल नात में इस बार ही में महफिल नात जो सैयद मोइन चिश्ती साहब है बरख रजा के मेम्बर, उसमें सैयद ताहिर साहब और सिकंदर खाकू साहब, ये लोगों ने इसका कर, और अशफाक नबी वाला के हाथ पे मोंडे के तमाम हमारे लोग जो है ये खाने में कोऑपरेट करते हैं। एक टन का जो खाना होता है, टन का खाना कोई एक आदमी नहीं देता भाई, कोई 25 किलो देता है, कोई 50 किलो देता है, और कोई एक कुंटल देता है, कोई दो कुंटल भी देते हैं, कोई चावल देता है, और कोई जो है तो मसूर की दाल देता है, कोई तेल देता है, कोई मसाले देते हैं, कोई हरे मसाले देते हैं। इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। यह चंदा होता है, नॉमिनल चंदा जो होता है, इसमें डीजे, ये छोटे मोटे जो घोड़े हैं, पोखरा लोगों को जो बुलाया जाता है, उसको अरकान दिया जाता है, इसमें ये मेंटेनेंस होता है। ये कोई यहाँ पर VIP तौर पे चंदा किया नहीं जाता, नॉमिनल चंदे में इंतज़ाम होता है। और इसमें मेरे साथ मेरे खादिम दरगाह के चार हर तरीके से साथ देते हैं, और मेरे साथ में ख़ास तौर से बिलखसूस हमारे सदर आली जनाब मकसूद अली खान साहब हर वक्त हर पल मेरे साथ देते हैं। उसके बाद सारे काम जो दरगाह के मस्जिद के देखते हैं, दरगाह की यूँ समझिए कि इनामदार की तरफ से, मैं तो समझता हूँ मेरे शहनशाह की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं, ये लीगल एडवाइज़र है इदरीस कादरी एडवोकेट साहब जी। ये बच्चे ने आज तक कभी मस्जिद से एक रुपया फीस नहीं ली, लिखने के पढ़ने के कोर्ट कचहरी सारे इंतजाम ये बच्चा खुद कर लेता है, खुद के पैसे लगा देता है। रहा सवाल एक बात की भाई, और महफिल समा का प्रोग्राम वो खुद करते हैं, दो दो हमारे अख्तर मामू हो गए, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को, यहाँ पर तमाम मजाहब के लोग आते हैं, आप अगर से नज़ारा देखेंगे मुबारकबाद, और तमाम नांदेड़ के, मैं तो बोलूँगा कि नांदेड़ ज़िले के अलावा भी तमाम लोगों को मैं मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ, शहनशाह नांदेड़ के उर्स की, तो सब लोग यहाँ पर मेरे को कोऑपरेट करें, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे को खाने में पीने में समा में महफिल में साथ दिया है। और मैं हमारे खादिमीन का ख़ास तौर से जो दरगाह के चार खुदाम हैं, और जैसे खादिम में शेख नदीम मोहम्मद शेख मुश्ताक इस्माइल कुरैशी शेख गुलाम रब्बानी, और उसके अलावा मेरा जो सर हमारे मस्जिद और दरगाह के सदर आली जनाब मकसूद अली खान साहब, दरगाह और मस्जिद के लीगल एडवाइज़र इदरीस कादरी एडवोकेट साहब, और उसके अलावा अख्तर मामू, ये लोग और महल्ले के तमाम लोग मेरा साथ देते हैं। वो तो मैं उर्स में तो ये बस की बात नहीं है कि 8-10 आदमी से इसका इंतज़ाम हो जाए। पुलिस महकमे से परमिशन लेना, पुलिस महकमे को बुलाना, वो भी लोग कोऑपरेट करते हैं, और सामने ठाकुर समाज के लोग हैं बेचारे, वो भी मेरे साथ ये मैं आज 2013 से संभाल रहा हूँ इस मस्जिद के दरगाह का, मैं 2013 से मुख्तार रहा हूँ, और सारे प्रोग्राम अरेंज करता हूँ। इसके पहले भी मुंसिफ न्यूज़ में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरे तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को मेरी तरफ से शहनशाह नांदेड़ से शाह कामिल कबीला रहमतुल्लाह अलैह के 832वें उर्स की मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद मैं हमारे इदरीस कादरी एडवोकेट साहब से कुछ इंटरव्यू लेना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशी के साथ में मनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी शरीफ के बाद में समा का प्रोग्राम अहाता दरगाह शरीफ में रखा गया है, कल इंशाल्लाह जश्न इस्लाम प्रोग्राम मनाया जाएगा। और इस नज़र में मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामी कमेटी की तरफ से हर वो कोशिश की गई कि यहाँ पे जो है किसी ज़ायरीन को किसी तरह की तकलीफ ना हो, हर तरह का इंतज़ाम किया। अलहमदिल्ला अभी तक का प्रोग्राम अलहमदिल्ला की तरफ से बड़ा अच्छा रहा, आगे के भी इंशाल्लाह प्रोग्राम अच्छे रहेंगे। तमाम ज़ायरीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि शहनशाह नानी हज़रत सैयद शाह कामिल दाद के 832वें उर्स में आप तमाम लोग शिरकत करें, और कल शाम को जो जश्न इस्लाम का प्रोग्राम है उसके अंदर शिरकत करें, हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम, तमाम नंदर शहर की तरफ से सरकारी शहर कैमरा मैन मोहम्मद अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद अल्ताफ, हमसे टीवी के लिए नांदेड़ से।